चमचे ये गुंडे राज। मैं मिठाई दुकान खोले थे, मैं पत्नी या बाल बच्चा के बैठा देते थे, दारू को गिलास मांगते थे दारू पीने के लिए, और गिलास मेरी पत्नी नहीं देता तो उसके कपार फाड़ देते थे। लालू और राबड़ी के सरकार में माँ बहन 4 बजे के बाद नहीं चलते थे। नीतीश जी के राज में लोग 5 बजे या 8 बजे या 10 बजे जखनी मानते हैं जखनी जाते हैं, और नीतीश जी के राज में बहुत विकास हुई है। हमारे सतजो कुशवाहा बहुत विकास किए हैं, 56 पुल कुर्था विधानसभा में 56 पुल बन गया है और बहुत अच्छे विकास हुआ है, और फिर चुनाव वही जीतेंगे। क्या क्या विकास हुआ है? जैसे विकास हुआ पुल, जो हमारे माए बहन आते थे नदी पार होके ऐसे मैंने पूरे उठा का हटिया पूरे उठा का मैंने किसी मरीज आते थे उनकी डिलीवरी होती थी उठक खटिया पर लाद के आते थे, बीच रास्ते में मर जाते थे। हमारे जो सतजो कुशवाहा के हैं पुल जो बना दिए हैं, और टोटल लोग अच्छे सुव्यवस्था से आ रहे हैं, कुर्था हॉस्पिटल में आते हैं और बहुत अच्छे से सब उनकी नाम लेते हैं सतजो कुशवाहा का। किसी भी 4 बजे के बाद किसी भी बिजली की व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ? मेरी 22 घंटा मेरी बिजली 22 घंटा मेरी बाजार में है, 22 घंटा का है सब। नहीं उसके पहले मेरे मैं दिया जलाते थे, मैं नीम के बोतल लेते थे और 6 को दिया बारते थे। हाँ मेरी 5 बच्ची है और 2 बच्चे हैं, सब पढ़ते लिखते हैं अच्छे से हैं। और 4 बजे के बाद ये कुर्थी बंद रहता था, जो अभी कुर्थी बजा। हाँ हमर समझिए कि 36 या 38 समझिए ऐसे। लालू जी का शासन काल देखा हुआ? हाँ हाँ मैं लालू जी के शासन देखे। तो क्या परिस्थितियाँ थी, अपनी कोई अपना अनुभव बताओ। देखिए लालू जी के शासन में थी, लालू जी के शासन में ये थी सर कि किसी का लालू जी तो अलबल नहीं पकने वाले थे, उनकी चमचे ये गुंडे राज। मैं मिठाई दुकान खोले थे, मैं पत्नी या बाल बच्चा के बैठा देते थे, दारू को गिलास मांगते थे दारू पीने के लिए, और गिलास मेरी पत्नी नहीं देता तो उसके कपार फाड़ देते थे। मेरे बीच बाजार में घर है, मेरे बीच बाजार में घर है, कुर्से बस थाना के बगल में मेरा घर है। और ये हकीकत हमने बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी का 15 टाका पड़ा, मेरी 8 टाका पड़ा लालू के शासन में पड़ा। अभी को सुधार हुआ? अभी तो बहुत सुधार हो गई, अभी तो पूरे अच्छे सुधार हो गए कि एकदम 3 बजे 4 बजे आइए भोर में, कोई आपका बोलने वाला नहीं, किसी काष्ठ हो किसी भी जहाना वैसे टेम्पो पर लेके चल, टेम्पो पर जनानी के लिए, बच्ची के बैठा के लिए, पत्नी के बैठा के लिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं लेकिन नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार, सुन लो पहले। हाँ बोलिए बोलिए। नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार और बढ़ गया है और वो आएंगे तो सब सुधार कर देंगे। कुछ सुधार करना नहीं, कौन हमारे तेजस्वी जी जो कहते हैं कि 10 लाख के हम नौकरी देंगे, जब इनकी पीसी जी नौकरी नहीं दिए तो तेजस्वी जी और जो रामविलास के बच्चे हैं एक वोट के चलते हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की गिरा दिए हैं, वो तो ओम मौसमी थे, मौसम विज्ञानी, ये मौसम विज्ञानी नहीं है, ये तो हम सिगरेट पिएंगे तो झोपड़ी कखनी जल जाए तो पते नहीं है। जनता के विकास करने वाले नीतीश कुमार हैं, हमारे सतजो कुशवाहा हैं, और ये सब वोट कटवा, टोटल बिहार में वोट कटवा है नीतीश कुमार का, 5,000 और 7,000 कटेगा और इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमारे नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी का सरकार बनेगा, यही हम विकास करना चाहते हैं बस। डॉक्टर हुलेश मांझी। अच्छा क्या काम करते हैं जी? मैं पढ़ाता हूँ। इस बार किसे चुनना है? इस बार नीतीश कुमार जी के और NDA गठबंधन चुने जाएंगे बिहार से। क्या वजह है इसकी? क्योंकि उन्होंने बिहार में जो विकास किया है वो देश दुनिया में काबिले तारीफ है। क्या क्या जैसे विकास? जैसे आप जान लीजिए कि बिहार में जो विकास के मुद्दे हैं, जिसको सड़क चाहिए, पुल चाहिए, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था, न्याय के साथ विकास, यानी सामाजिक न्याय को उन्होंने ध्यान में रखा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मुझे सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई आदमी नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने हर गांव हर टोला में
सड़क, गली, नली, बिजली, पानी, शिक्षा, विद्यालय, थाना की जर्जर हालात को उन्होंने बदला, कानून व्यवस्था को बदला। कोई गुंडा बदमाश आज खुलेआम नहीं कह सकता है कि मैं ये करूंगा, मैं बंदूक लहरा लूंगा, हथियार चला लूंगा, किसी को मार दूंगा। ऐसे धमकी किसी के चलने वाले नहीं है। बड़े बड़े गुंडा बदमाश जेल के हवालात में हैं अभी। ये नीतीश कुमार जी का देन है। बिहार में जो सुशासन कायम किए हैं, देश दुनिया या राज्य में, देश में अन्य राज्य बाद में लागू करता है, हमारे यहाँ सामाजिक न्याय पहले लागू होता है। महिलाओं की आरक्षण, अभी जो बोटकटवा बनकर घूम रहे हैं, वैसे कई छोटे पार्टियों को नीतीश कुमार जी ने आशीर्वाद दिया और उनको ये नहीं पता है, उनके दल के MLA हो नहीं होने के बावजूद भी उनके पिता श्री राम, आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो स्वर्गीय हो गए, पूजनीय हैं, उनको राज्यसभा भेजा जाता है। और कई मौके पर उनके जो सम्मान उम्र के ख्याल से नीतीश बाबू किए, उसका उल्टा परिणाम उनके सुपुत्र जो है कुपुत्रता दिखा रहे हैं, इसका परिणाम उनको खुद पता चलेगा 10 नवंबर तक। किसे चुनने जा रहे हैं इस बार? नीतीश कुमार को। क्या वजह है उसकी? वजह है कि हम लोग 15 साल पूर्व का, मतलब 90 से लेकर 2005 तक की सरकार को भी देखा था हमने। 93 में, 93 में हमने मैट्रिक पास किया था। लालू की सरकार में हमने बेरोजगारी का दंश झेला कि आज तक हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोग जैसे अब तो युवा अवस्था से हम 40 उम्र हो गया है, 42, हमने बेरोजगारी का दंश झेला, बेरोजगार थे। लेकिन जे ही 2005 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, बिहार का कायाकल्प हो गया। किन किन जगहों पर कायाकल्प? सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पर लाइन ऑर्डर यानी कि जो प्रशासनिक तंत्र था उसको सुधारा। हमारे यहाँ हर जगह रोड था ही नहीं, गड्ढा था। हर गांव में हालात ये था कि कोई अगर रात को बीमार पड़ जाता था तो खटिया पर टांग करके अस्पताल में ले जाता था, तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते थे। आज वो सब हमारे गांव में सड़क है, बिजली है, सिंचाई का भी, जो बिजली के कारण सिंचाई का सुविधा भी बहुत हो गया है। हर खेत को मोटर से, समरसेबुल से पानी मिल रहा है। सिंचाई के कारण हमारे किसान जो हैं अब समृद्ध हो रहे हैं, सब कोई आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। और कितनी उपलब्धियां गिनाया जाए उनका? नहीं, उपलब्धि नहीं गिनाइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जिस नीतीश कुमार का आप इतनी आसानी से कह रहे हो, क्या उतनी आसान है राह? तो आसान है। चिराग बाबू का क्या रोल? नहीं, यहाँ तो कोई रोल नहीं है, हमारे विधानसभा में तो कहीं कोई रोल नहीं है। आम जनता फैसला कर लिया है, हम लोग जितने भी आम जनता हैं, आम नागरिक हैं, हमने फैसला कर लिया है कि फिर एक बार उन्हीं की सरकार बनानी है। शुरू करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंघानिया उर्फ भाई सगुरा मोर कुर्था। और किसे चुनने वाले हैं? मैं, अमित शाह जी ने कहा था कि जब भी मेरा NDA का नेता बनेगा, श्री नीतीश कुमार जी ही बनेगा। क्या वजह है उसको लेकर? वजह 15x15, हमारे पप्पू यादव ने कहा था 15x15, तो कहने के मतलब पप्पू यादव तो सच बोले, विकास तो हुआ है। भाइयों बहनों, इस देश के लिए, बिहार की मिट्टी के लिए जो विकास करके कार्य किया हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, 15x15 में शासन काल क्या रहा प्रसाद यादव जी का, जो कार्य करके हमारे नीतीश कुमार ने दिखलाया 7 निश्चित कार्य, हर गली में नली, गली, भाइयों बहनों, पूरे बिहार देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, 5 नंबर तीर छाप को मत देकर भारी मदों से विजय बनाइए। कहाँ कहाँ विकास हुआ है? सर की बात, सर हमारे नीतीश जी ने, लोग मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, विकास आपका भी नजर है सर, ऐसा बात नहीं है, विकास आप भी देख रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, फिर भी दोहरा रहे हैं। दलित समाज के विकास हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकास हुआ, मुख्यमंत्री आवास के विकास हुआ, सारे कार्य
विकास ही विकास है। हर नली गली में नली बना, जल नल जल बना, विकास ही है सर, विकास ही है, इस दोहराने की बात नहीं है सर। तो मोदी जी की ओर से चिराग पासवान को क्या कहना सर? केंद्र में तू ही रहला भी सारा कार्य भी कैला, अब नीतीश कुमार का इतना नेता ना यहाँ मन में ठान लिया सर, चिराग फिराग कोई मामला नहीं है सर, नीतीश कुमार को बिहार के नेता माना है और जनता माना हीगा, चिराग के छोड़िए, चिराग के यहाँ कोई लहर कुर्था में नहीं है।